विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 क्रिकेट की कप्तानी नहीं करने जा रहे, ये बात लगभग साफ हो चुकी है और इसमें कोई शक की बात अब रह नहीं गई है। लेकिन रवि शास्त्री भी T20 वर्ल्ड कप के बाद एक मैच के लिए भी टीम इंडिया के कोच नहीं होंगे, ये बात भी लगभग साफ हो गई है और इसमें भी कोई शक की बात नहीं रह गई है। दरअसल में रवि शास्त्री ने ये बात बिल्कुल कन्फर्म कर दी है कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम पे कोच नहीं रहने वाले। हालांकि बोर्ड ने दरख्वास्त की थी कि कम से कम एक महीने के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने दे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए कोच बने रहें, लेकिन रवि शास्त्री ने अपनी उम्र का हवाला देकर अब साफ कह दिया है कि अब उन्हें कोच बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और शायद वो 5-6 महीने का ब्रेक लेके वापस कमेंट्री बॉक्स में पहुँच जाएँ, क्योंकि रवि शास्त्री की उम्र अब 60 साल हो चली है, तो ऐसे में ज़्यादा वक्त तक बबल में रहना शायद उनको भी इफेक्ट डाल रहा हो और वो लंबे वक्त से टीम इंडिया के कोच हैं। साल 2017 से वो टीम इंडिया के कोच हैं और एक बार उनका टेन्योर बढ़ भी चुका है और टेन्योर बढ़ के उनका 2021 तक हुआ था T20 वर्ल्ड कप तक, और इस बीच 2 T20 वर्ल्ड कप होने थे लेकिन एक ही हुआ, लेकिन रवि शास्त्री ने साफ कह दिया है कि अब वो इस पद पर नहीं बने रहेंगे और वो एग्ज़िट कर लेंगे। सिर्फ रवि शास्त्री नहीं, उनके साथ उनका पूरा कोचिंग स्टाफ एग्जिट करने जा रहा है कोचिंग स्टाफ पे से। इसके बाद खबर आ रही है कि BCCI ने अनिल कुंबले को दोबारा अप्रोच किया है, क्योंकि जो 2 विदेशी कंटेंडर थे वो मना कर चुके हैं बायो बबल लाइफ की वजह से। इंडियन क्रिकेट टीम पूरे साल में कितना क्रिकेट खेलती है और कितना वक्त बायो बबल में रहना पड़ता है, इस वजह से 2 विदेशी तो रिजेक्ट कर चुके हैं ऑफर। तो इंडिया में अब अनिल कुंबले का नाम वापस होड़ में आ गया है और जब से अनिल कुंबले का नाम वापस आया है, बात की जा रही है कि अनिल कुंबले टीम इंडिया के अगले कोच होंगे, तो क्रिकेट फैंस को यकीन नहीं हो रहा और इसको कर्मा करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि विराट कोहली रोहित शर्मा को उप कप्तानी से हटाना चाहते थे, अब उनके लिए कप्तानी छोड़नी पड़ी है और अनिल कुंबले को कोच के रूप में देखना नहीं चाहते थे, और अगर अनिल कुंबले वापस कोच के रूप में आ जाते हैं तो ये भी एक कर्मा ही होगा विराट कोहली के लिए, और अगर अनिल कुंबले वापस कोच के रूप में आ गए तो इस बार विराट कोहली को उतने खिलाड़ियों का समर्थन नहीं मिलेगा जितना 2017 में मिला था, जिस वजह से इस बात की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 2023 के वर्ल्ड कप से पहले ही उनकी वनडे क्रिकेट में से भी कप्तानी चली जाए। मतलब विराट कोहली तो कोशिश कर रहे होंगे कि उनकी वनडे क्रिकेट में कप्तानी बचे, लेकिन अगर अनिल कुंबले आ जाएंगे तो फिर कैसे बचेगी, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि विराट कोहली को मनाने की उस वक्त कई पूर्व क्रिकेटरों ने कोशिश की थी कि वो मान जाए और अनिल कुंबले को कोच के पद पर बने रहने दे, लेकिन खबर आई थी कि विराट कोहली माने नहीं और विराट कोहली को कई क्रिकेटर्स का समर्थन हासिल था, लेकिन इस बार बात अलग होगी क्योंकि इस बार अनिल कुंबले को ज़्यादा क्रिकेटर्स का समर्थन हासिल होगा, और अगर अनिल कुंबले वापस कोच बन जाते हैं तो ऐसा भी मानना होगा कि KL राहुल को भी बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।